हेलो लिब्रा, वेलकम टू गुरु माँ हिंदी टैरो। और ये रीडिंग है 19th ऑफ जुलाई से लेके 25th ऑफ जुलाई तक की। तो चलिए देखते हैं आपके लिए क्या मैसेजेस है इस वीक में और आप क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं अपनी लव लाइफ में। मैसेजेस फॉर लिब्रा। King of Swords, Three of Wands, Seven of Cups in reverse, King of Pentacles, and the Empress. Okay. So, the Empress का कार्ड है। लिब्रा, जैसे लगता है कि कोई ये देख पा रहा है कि आप उन्हें वॉच कर रहे हैं। आप सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से समझते हैं एंड वो आपको कोई ऐसा एक्सक्यूज नहीं दे सकते जो कि लॉजिकल ना हो। बिकॉज मेरी ये ऐसा कुछ कर रहे हैं जिसके लिए उन्हें एक्सक्यूजेस देने की ज़रूरत पड़ने वाली है। आई थिंक थ्री ऑफ वॉन्ड्स के साथ ये एक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है। प्रोबेबली ये पर्सन आपसे काफ़ी दूर है और इसी की वजह से कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी हो सकती है, कुछ डाउट्स भी हो सकते हैं। आई थिंक थ्री ऑफ वॉन्ड्स बात कर रहा है उस दूरी की जो आप फील कर सकते हैं। ये दूरी जैसे लग रहा है कि खत्म ही नहीं हो रही, आपको ऐसा फील हो सकता है। इस पर्सन को भी कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है। ऑल्सो लिब्रा, ये पर्सन शायद किसी बात को लेकर जिद पे अड़ा हुआ है, काफ़ी साइलेंट है। इस वक्त आप ये महसूस कर रहे हैं जैसे ये पर्सन आपको पूरी तरीके से इग्नोर कर रहा है, आपकी बातों को ना सुनना चाहता है ना समझना चाहता है। और ये सिचुएशन को और ज़्यादा डिफिकल्ट बना रही है। किंग ऑफ सोर्ड्स शायद आपको ये सोचने पे मजबूर कर रहा है कि क्या आप एक सही रिलेशनशिप में भी हैं, मतलब क्या वाकई में आप इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर सकते हैं। बिकॉज जब से आप दोनों के बीच ये डिस्टेंस आया है तब से लगता है कि आप दोनों एक दूसरे को वैसे नहीं देख रहे जैसे कि पहले देखा करते थे। बिकॉज चीज़ें ही वैसे चेंज हो रही हैं, लाइक जो भी हालात है, जिस तरीके से ये पर्सन रिस्पॉन्ड कर रहा है आपकी बातों पर, आपको ऐसा लग सकता है जैसे वो बदल गए। इनफैक्ट सेवन ऑफ कप्स के रिवर्स में होने का मतलब है कि एक तरीके का भ्रम टूटा हो, आपको ऐसा लग सकता है। लाइक शुरू में ये रिलेशनशिप आपको परफेक्ट लग रहा था, ये पर्सन आपके लिए आपको परफेक्ट लग रहा था, बट अब लगता है जैसे सब कुछ बदल गया है। और इतना बदल गया है कि अब आप पहचान भी नहीं पा रहे कि क्या ये वही पर्सन है जिससे आपने प्यार किया था, क्या ये वही पर्सन है जिसके साथ आप अपना जीवन बिताना चाहेंगे आगे का। सो बहुत सारी चीज़ें सरफेस पे आएंगी और जो इनका डार्क साइड है वो धीरे धीरे आपके सामने आ रहा है, जिससे कि आपको डील करना पड़ सकता है। और आई थिंक इस पॉइंट पर आपके लिए ज़रूरी है कि आप हर चीज़ को डिटेल में देखें। द एम्प्रेस के लिए ज़रूरी है कि वो हर सिचुएशन को समझें। ऑल्सो किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पे, तो ये पर्सन बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकल है। ओके, आप जिससे भी डील कर रहे हैं ये पर्सन अक्सर यही सोचकर किसी भी सिचुएशन में इन्वॉल्व होता है कि क्या इससे उन्हें कोई फ़ायदा होने वाला है या नहीं। सो इस रिलेशनशिप के बारे में भी ये पर्सन सोच रहा है कि अगर वो इस रिलेशनशिप को कंटिन्यू करते हैं तो उन्हें अपने अंदर कितने बदलाव लाने पड़ेंगे, क्या सेक्रीफाइसेस करने पड़ेंगे, कौन सा वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर। ऑब्वियसली ये पर्सन जानता है कि ये आसान नहीं है, क्योंकि ये पर्सन अपने आइडिया को लेके बहुत रिजिड हो सकता है, बहुत ज़्यादा स्टबर्न हो सकता है, और उनके लिए चीज़ों को चेंज कर पाना आसान नहीं है। और शायद ये भी एक वजह है कि ये पर्सन किंग ऑफ स्वॉर्ड्स बन गया है। ये पर्सन ये लगातार सोच रहा है कि वो किस हद तक आपको पुश कर सकते हैं। मे बी अगर वो थोड़े साइलेंट हो जाते हैं या आपसे दूरी बना लेते हैं तो आप उनकी बात पे कन्विंस हो जाएंगे या आप कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट कर लेंगे। एंड प्रोबेबली यही वजह है कि आप दोबारा सोचने लगेंगे कि क्या आपको इन्हीं चीज़ों से डील करना है, क्या ये रिलेशनशिप हेल्दी है भी या नहीं। सो किंग ऑफ स्वॉर्ड्स वैसे आपको पसंद बहुत करता है, आप इनके एम्प्रेस है, आप इनका ड्रीम है, आप वो सब कुछ है जो इस पर्सन को चाहिए था।
चीज़ें जो कॉम्प्लिकेटेड कर रहा है वो है इनका ईगो, वो है इनका स्टबर्न होना, और इस पे उन्हें वर्क करने की ज़रूरत है। और ये पर्सन अभी इस इसके लिए तैयार नहीं है। ओके, लगता नहीं कि ये पर्सन अपने बारे में सोच रहा है कि उन्हें अपने अंदर क्या चेंजेस लाने की ज़रूरत है। इस वक्त इस पर्सन की एक्सपेक्टेशन आपसे ही रहेगी, ओके, कि आपको एक्स्ट्रा एफर्ट करना चाहिए, आपको चेंज करना चाहिए अपना पॉइंट ऑफ व्यू, उनके पॉइंट ऑफ व्यू को अकोमोडेट करना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें इस रिलेशनशिप को इस वक्त कॉम्प्लिकेट करेगी एंड आपके लिए और चैलेंजेस क्रिएट कर सकती है। ओके, हालांकि ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबसे रेजोनेट नहीं करेगी। एनर्जी रिवर्स हो सकती है अगर आप क्रॉस वॉचर हैं। इसके अलावा अगर आप पिछले वीक की रीडिंग देखना चाहें तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा हमेशा की तरह। सो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं और क्या मैसेजेस है आपके लिए लिब्रा। फाइव ऑफ सोर्ड्स, नाइन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ वॉन्ड्स, सिक्स ऑफ कप्स एंड द स्टार। ओके, सो हमारे पास है फाइव ऑफ सोर्ड्स एंड सिक्स ऑफ कप्स। ये पर्सन चाहे कोशिशें कितनी भी कर रहा हो आपको भूलने की या मूव ऑन करने की या आपसे दूर जाने की, देख तो ये पीछे मुड़ के ही रहे हैं। ओके, ये पर्सन अपने आप को रोक नहीं पा रहा पास्ट के बारे में सोचने से। ये पर्सन अपने आप को आपसे डिस्कनेक्ट नहीं कर पा रहा। इनफैक्ट सिक्स ऑफ कप्स के साथ क्लियरली ये पर्सन पास्ट की मेमोरीज में ही जी रहा है। आजकल उनके लिए पास्ट से ज्यादा इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं, बिकॉज पास्ट ही वो जगह है जहाँ पे उन्हें खुशियां मिलती हैं। आई थिंक नाइन ऑफ कप्स के साथ ये पर्सन अभी भी ये यूनियन चाहता है, मैनिफेस्ट कर रहा है रिकन्सिलियेशन, आप दोनों का मिलना दोबारा और चीज़ों का फिर से ठीक होना। ये पर्सन पास्ट से बाहर आ ही नहीं पा रहा। ऑल्सो सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के साथ इस पर्सन को उम्मीद है कि चाहे जो भी हो रहा हो इस वक्त, वो जरूर इस सिचुएशन से बाहर आएंगे विक्टोरियसली। कुछ ना कुछ तरीका वो निकाल लेंगे आपके क्लोज आने का। उन्हें नहीं लूज करना पड़ेगा ये रिलेशनशिप, बिकॉज ये रिलेशनशिप लूज करना उनके लिए एक नाइटमेयर के जैसा है और ये ऐसा कभी नहीं चाहेंगे। अगेन द स्टार का कार्ड है, सो मे बी हो सकता है इस पर्सन ने आपको किसी तरीके से चीट किया हो। ओके, प्रोबेबली लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के कारण, या अगर आप पास में ही है, ये लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप नहीं है तो भी इस पर्सन ने हो सकता है चीट किया हो। एंड ये एक बहुत ही वियर्ड सिचुएशन है। एक तरफ तो इस पर्सन ने किसी वादे को पूरा नहीं किया, निभा नहीं पाए अपना वादा। अब ये किसी पर्सन के साथ चीट करने के बारे में भी हो सकता है या अपने कमिटमेंट को पूरा ना करने के बारे में भी हो सकता है। और अब इस पर्सन की उम्मीद ये है कि आप उन्हें अपने अपने लाइफ में वापस आने दें या आप उन्हें अप्रोच करें और चीज़ों को ठीक करने की कोशिश करें। तो ये बहुत ही स्ट्रेंज चीज़ है। ये पर्सन आपको हर्ट करने के बाद उम्मीद ये कर रहा है कि अभी भी आप या तो आप उनके बातों को सुनेंगे, उनके एक्सप्लेनेशन को सुनेंगे, या फिर खुद ही उन्हें अप्रोच कर लेंगे। ये उनके दिमाग में चल रहा है इस वीक में। चलिए देखते हैं ओरेकल मैसेज क्या है। द होली स्पिरिट, एक्सपेक्ट मिराकल्स, रिमेंबर दैट ओनली लव इज रियल, मिराकल्स विल अकर नेचुरली, स्पिरिट हैज योर बैक। तो ये कार्ड आपको ये याद दिला रहा है कि सिर्फ एक ही चीज इस यूनिवर्स में रियल है, वो है लव। एंड नेचुरली जो चीज़ें आप चाहते हैं आप तक आएंगी। आपका हायर सेल्फ आपको वॉच कर रहा है और देख रहा है। भरोसा रखना इस वक्त मुश्किल हो सकता है बट वो जरूरी है। ओके, यूनिवर्स आपको संभाल लेगा। इस बात पे कभी अपना भरोसा मत खोए, यही एग्जैक्टली ये कार्ड आपसे कह रहा है। तो ये है रीडिंग इस वीक की। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टिल नेक्स्ट वीडियो, बाय।